नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजू दुआ चैमिनी। दोस्तों, आज पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम नहीं है, आज मैं अपनी पुस्तक के बारे में बात करूंगी जिन्हें यात्रा वृतांत पसंद आते हैं बहुत। ये मेरी पुस्तक उन लोगों को बहुत पसंद आएगी, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। धूप, झाग और रेत, ये पुस्तक वैसे तो 2018 में आई थी अयन प्रकाशन से, यात्रा वृतांत, विदेश यात्रा वृतांत है इस पुस्तक में। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगी जिन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है और जो घूम फिर नहीं पा रहे लॉकडाउन में, उन्हें पुस्तक बहुत अच्छी लगेगी। इसी बहाने हम दूसरे देशों की सभ्यता संस्कृति के बारे में भी हमें काफी कुछ पता चल जाता है। तो इसके तीन भाग हैं दोस्तों, धूप, छाग और रेत। मैंने चार देशों की यात्राएं की, ब्रिटेन, सिंगापुर, थाईलैंड एक बार और दुबई। ब्रिटेन 27 सितंबर 2004 को, 16 साल पहले, जी हाँ 16 साल हो गए इस बात को। 8 घंटे का सफर था, मैं अपनी बहन के पास गई थी। और तो वहां ब्रिटेन में मेरा जाने का मकसद था कि मेरे भांजे का जन्म हुआ था 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन, तो मुझे उसके पास जाना था। वहां मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंची, वहां अंग्रेज थी, उसने जोर से कड़क कर पूछा मुझसे, व्हाई हैव यू कम हेयर। तो मैं भी डर गई, तो मैंने जवाब दिया, आई कम हेयर टू सी माय सिस्टर। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं इसमें, मेरी अटैची नहीं मिली, बाद में मिली, कैसे मिली। उसके बाद 14 मिनट के बाद जीजा जी आए, मैं उनके साथ टैक्सी में घर पहुंचे, गिलफर्ट रहते थे वो, अभी तो यहीं आ गए हैं। यह सरे काउंटी में स्थित है गिलफर्ट, ओकफील्ड में, बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा था। और ब्रिटेन में मैं रही 28 दिन, वहां मुझे एकदम डिफरेंट लगा अपने देश से, बिल्कुल अलग। सूट सलवार पहनने नहीं दिया, वेस्टर्न ड्रेसेस, मेरी सिस्टर ने बोला कि यही चलता है यहाँ पर, नहीं तो लोग पाकिस्तानी समझ लेते हैं, अजीब बात है। और साउथ हॉल वहां पर करोलबाग जैसा है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, मैं गई वहां, पंजाबी फ्रोजन खाना खाया रेस्टोरेंट में। और अगले दिन मैंने परांठे बनाए वहां और बर्तन तक धोए, क्योंकि वहां काम वाले नहीं मिलते, सारा काम खुद करना पड़ता है। कॉम्पैक्ट हाउसेज होते हैं, वुड के बने होते हैं, शुद्ध खाना, शुद्ध हवा, सब कुछ शुद्ध, लेकिन सेल्फिश बहुत हैं लोग वहां, परिवार संस्था को नहीं मानते। मैं भांजी के स्कूल गई तो मेरी सिस्टर ने बताया कि ये जो जितने लोग यहाँ आए हैं बच्चों को लेने, कोई भी जोड़ा शादीशुदा नहीं है एक को छोड़ के, तो वहां शादी को महत्व नहीं दिया जाता। अखबार आते थे घर में, लेकिन उनमें सिर्फ विज्ञापन होते थे और कुछ नहीं, खबरें नहीं। अकेलापन बहुत मैंने महसूस किया वहां। एक चीज मुझे अच्छी लगी कि जो सरकार है वे एक एक पैसा, जो भी टैक्स लेती है, एक एक पैसा खर्च करती है निवासियों पर। मैंने गिलफर्ट बाजार देखा वहां, और वहां बकिंगम पैलेस था, लंदन आई हाउस हाउसलोस थे, लंदन ब्रिज था, सेक्स शॉप थी, चैम्बर ऑफ हॉरर्स था, नीजडन टेम्पल, ये सब मैंने देखा। मेथी थेपला गुजराती खाना भी वहां खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, इस किताब में आपको बहुत कुछ, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मेरे साथ साथ लंदन घूम रहे हैं। और इसी का दूसरा भाग है थाईलैंड और सिंगापुर यात्रा। ये मैंने 2010 में की, 29 दिसंबर 2010 से 8/1/2011, यानी 10 दिन हम लोग वहां रहे। यहां मैं अपनी ननद के परिवार के साथ गई थी 2010 के अंत में। बैंकॉक जो है वो थाईलैंड, बैंकॉक जो है उसकी राजधानी है, वो 1.5 घंटा हमारे भारत से आगे है। हम वहां से टैक्सी से पताया शहर गए। पताया के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कंपनियां बहुत फ्री पैकेज देती हैं, टूर पैकेज। पताया में क्या होता है आप सब बखूबी जानते हैं, खुलापन है वहां, सब कुछ लीगलाइज है वहां। हम लोग टुक टुक में घूमे, वहां क्या हुआ ये सब इस पुस्तक में देखेंगे आप। स्कूटी लोग किराए पर ले लेते हैं, रेत समुद्र के किनारे, रेत के मजे लेते हैं, समुद्र के मजे लेते हैं, थाई फूड, मसाज वहां की स्पेशलिटी है, स्ट्रिप्टीज शो, वॉकिंग स्ट्रीट, सब कुछ ओपन है वहां।
बच्चे अलाउड नहीं है वॉकिंग स्ट्रीट में, और रात एकदम गुलजार होती है, उन्मुक्त व्यवहार है, लेडी बॉयज वहां बहुत मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सब देखा, तो झाग जो पोर्शन है उसके अंदर मैंने इसकी पूरी चर्चा की। और अब मैं बात करती हूँ सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की यात्रा यानी धूप झाग और रेत। सिंगापुर रेत से हम लोग उसको पहचानते हैं क्योंकि वहाँ रेत बहुत ज्यादा होती है। हाँ, बैंकॉक में मैंने बुद्ध की बहुत अच्छी प्रतिमाएं देखी, बहुत विभिन्न अवस्थाओं में। ये सब आप मेरी पुस्तक में पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, वैसे नहीं। सिंगापुर की जो यात्रा थी वहां पर हमने क्रूज में काफी अच्छा हमें बहुत अच्छा लगा क्रूज में जाकर। सिंगापुर के बाद अब मैं बात कर इमेजेस ऑफ सिंगापुर बहुत अच्छा लगा मुझे। यूनिवर्सल स्टूडियो बहुत अच्छा लगा और 8 जनवरी को हम वापस लौट आए। अब मैं तीसरे भाग के बारे में बात करती हूँ जो मैं बात कर रही थी, रेत। दुबई, दुबई रेत से जाना जाता है। दुबई अपने आप में देश भी है, शहर भी है, नहीं देश है। दुबई 7 अमीरातों में से एक देश है, संयुक्त अरब अमीरात की 7 अमीरात है उनमें से एक देश है दुबई। और दुबई ये बहुत ही फेमस है अपने ऐशो आराम के लिए। वहां पर महाभोग एक रेस्टोरेंट है, वहां हमने खाना खाया। बहुत बड़ी एक आपके सामने थाली रख देते हैं, उसमें आप सोचिए 56 भोग, एक तरह से 56 भोग थे वहां पर। मैं 2015 में दुबई गई थी, 5 साल हो गए उससे भी गए हुए। तो हमने महाभोग में वहां खाना खाया, नए साल की पहली रात वहां हमने मनाई अपने परिवार के साथ। 2016 प्रथम जनवरी में वहीं पर थी और हमने यार्ड पर वहां खूब अच्छा में अच्छा लगा। एक स्काई दुबई में मिनी गुलमर्ग कहते हैं उसे, वहां बहुत अच्छा लगा मुझे। और रेतीला रोमान, जी हाँ, डेजर्ट सफारी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जिन्हें रोमांच पसंद है वो उनको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सबसे अच्छा डेजर्ट सफारी लगा क्योंकि वहां पर वो लोग एक तो वहां उस रात को शाम को जाते हैं वहां पर, और रेत के अंदर वो हमें अपनी टैक्सी से हमें सफर कराते हैं, तो वो बहुत अच्छा। और वहां पर शाम रातें ठंडी हो जाती है तो वहां एक तनूरा शोर टेंट लगा के, जैसे आप देखते होंगे अमीरा अरब जो लोग होते हैं टेंट में बैठकर वहां मजे करते हैं, तो वहां पर टेंट में हमने देखा तनूरा शो था, म्यूजिक डांस खूब अच्छा प्रोग्राम था। और अबू धाबी का फरारी वर्ल्ड बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो आप जरूर देखें। और बुर्ज खलीफा की बात ना की जाए तो सफर अधूरा है। दुबई मॉल, बेशकीमती चीजें आपको वहां मिलेंगी। और हमने एक लिमोजिन में भी हमने लिमोजिन सफारी हमने सैर की। रात को लिमोजिन में बैठना ही अपने आप में एक अद्भुत था, बहुत लंबी कार और ऊपर सफेद रंग की लिमोजिन थी, हम 19 लोग उसमें बैठे और हमने शहर का चक्कर लगाया। शाही बग्गी आप बोल सकते हैं इसे, बहुत सुंदर था। और कुछ खास बातें मैं फटाफट आपको बता देती हूँ दुबई के बारे में कि बिन पते के घर होते हैं वहां। दुबई के किसी पते पर जाना हो तो वहां के आसपास के मकान या होटल का के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। स्त्री पुरुष संबंध पुरातन पंथियों के निशाने पर रहते हैं वहां। अपराध नगण्य है, सर्वाधिक भारतीय वहां रहते हैं, 50% भारतीय है वहां पर दुबई में। आयकर शून्य है वहां पर, दुनिया का 20% क्रेन है वहां पर, दुनिया के 20%, क्योंकि निर्माण कार्य बहुत ज्यादा होते हैं वहां। सर्वाधिक लंबी सोने की चेन वहीं पर है, एटीएम से आप सोने के सिक्के निकाल सकते हैं। बिना लाइसेंस शराब रखना अपराध है, थूकना मना है वहां, चालान बहुत कटते हैं क्योंकि ट्रैफिक नियम सख्त है। प्रीपेड टोल टैक्सी मिलेगी आपको, हॉर्न बजाने की मनाही है वहां पर। पद यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है, जी हाँ, पैदल चलने वालों को इम्पोर्टेंस दी जाती है वहां पर। और एयर कंडीशनड बस स्टॉप है वहां पर क्योंकि गर्मी भयंकर पड़ती है। गगनचुंबी इमारतों वाले शहर की हर अदा निराली है, शेख ऊंट तेल रेत गगनचुंबी इमारतें स्वर्ण, यही पहचान है दुबई की। तो उसके बाद हम लोग दुबई 2015 में वहां घूमकर हम लोग घूम आए।
तो दोस्तों अब बताइए आपको कैसी लगी मेरी यात्रा वृतांत विदेश यात्रा। आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं अयन प्रकाशन में। आपको इनका मोबाइल नंबर देती हूँ संजय जी का, आपको बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।